हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल के वेज फ्राइड राइस की रेसिपी। ये रेसिपी आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप बासमती राइस। रेस्टोरेंट में फ्राइड राइस गोल्डन सिला राइस से बनते हैं, मगर हम बासमती चावल से भी फ्राइड राइस बना सकते हैं, तो भी वैसे ही फ्राइड राइस बनेंगे। तो चावल को हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, यानी कि धो लेंगे, हल्के हाथों से धोएंगे ताकि चावल टूटे नहीं और चावल में जो भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी और उसको बढ़िया सी सफ़ेदी मिलेगी। 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करके चावल में हम डाल देंगे पानी और 15 मिनट तक भीगने के लिए हम रख देंगे, ताकि जब हम चावल को पकाएं तब उसमें बढ़िया सी लेंथ आए और चावल भी फटाफट से कुक हो जाए। तो आप देख सकते हो 15 मिनट हो गई है और मैंने यहाँ पहले से ही पानी गर्म करने को रख दिया था। हल्का सा पानी गुनगुना हो तब उसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। साथ ही में हम 1 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे, बाद में भीगे हुए चावल को ऐड करेंगे और कवर करके हम 4 से 5 मिनट तक चावल को पकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट हो गई है और चावल भी अच्छे से कुक हुए हैं। ये देखिए, चावल को पकाते टाइम नमक डालने से चावल में इक्वल नमक मिक्स हो जाता है और तेल डालने से चावल आपस में चिपकते नहीं है। तो आप देख सकते हो कि चावल अच्छे से कुक हुए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चावल को छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि जो चावल में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब एक बार चम्मच की मदद से हम चावल को ऊपर नीचे हल्के हाथों से कर लेंगे ताकि जो उसमें भाप का भाग है वो निकल जाए। अब उस पर हम 1 ग्लास जितना ठंडा पानी डालेंगे ताकि चावल की जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो चावल एकदम रेडी है फ्राइड राइस बनने के लिए। अब मैंने यहाँ एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, उसमें 3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही उसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून जितनी डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर रखनी है। कुछ ही सेकंड के लिए अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमें पकाना है ताकि जो उसका कच्चापन है वो निकल जाए। अब 1 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और 1/2 कप चॉप किया हुआ हरी प्याज का जो आगे का वाइट वाला हिस्सा आता है ना, वो ऐड करेंगे और उसे भी हमें तेज आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेना है। अब उसमें 1/2 कप हरी प्याज के पत्ते डालेंगे और उसे भी हमें तेज आंच पर 1/2 मिनट तक भून लेना है। अब उसमें 1/2 कप चॉप किया हुआ गाजर, 1 कप चॉप की हुई पत्ता गोभी, 1/2 कप चॉप किया हुआ शिमला मिर्च और 1/3 कप जितना चॉप किया हुआ फ्रेंच बीन्स डालेंगे और सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर रखनी है। अगर आपके पास रेड या फिर येलो शिमला मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब इस स्टेज पर हम उसमें 1 टीस्पून जितनी चीनी ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, ये बात का ध्यान रहे। तो 3 मिनट ऑलमोस्ट हो गई है और सब्जियां भी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून जितना सोया सॉस, 1 टेबलस्पून जितनी रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो रेड चिली सॉस आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि सब्ज़ी में सॉस अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर कुक कर लेते। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करना, क्योंकि चावल में भी हमने नमक मिलाया है और सॉस में भी नमक आता है। तो 1 मिनट हो गई है, अब हम उसमें कुक हुए राइस ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट और खिले खिले राइस कुक हुए हैं। अब चावल को हम सब्ज़ी में हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। चावल को सब्ज़ी में हमें हल्का सा ही मिक्स करना है। बाद में हमें 1 टीस्पून जितना विनेगर ऐड करना है। विनेगर डालने के बाद हल्के हाथों से सब्ज़ी और चावल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि रेस्टोरेंट स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल के फ्राइड राइस रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो बने हैं ना एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट या फिर स्ट्रीट स्टाइल के फ्राइड राइस।
अब हम हरी प्याज के पत्तों से गार्निशिंग करेंगे। तो लीजिए, फ्राइड राइस बनकर रेडी है। है ना एकदम आसान सी रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करना, और मेरी चैनल को ज़रूर से भूले बिना सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।